श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक हमको कुछ ना कुछ करना है, ये जो करने का रोग है, तब तक के हम इस प्रकृति में मुंह के अंदर डालोगे क्या? तो मैं क्या करूं? तो जब तक हमारे मन में कुछ करना है करना है और करके कुछ पाना है ये विचार बना रहेगा, तब तक के हम प्रकृति के गुलाम बनेंगे। देखो, और जब ये बात समझ में आती है, करना कुछ नहीं है, देखो केवल रहना है, जहां करना है वहां कर्तृत्वाभिमान है, जहां करना है वहां अपूर्णता की भ्रांति है, जहां करना है उससे जो उत्पन्न होगा वो क्षणिक होगा, हमेशा नहीं टिकेगा, और जब कुछ करेंगे तो थक जाएंगे। अब इसको सबको ठीक से ले लो। हम लोग योग के बारे में सीख रहे हैं। योग का अर्थ पतंजलि के अनुसार क्रिया प्रधान है और वेदांत के अनुसार चिंतन प्रधान है। तो पतंजलि ने बताया प्राणायाम करो, और वेदांत कहता है प्राणायाम मत करो। पतंजलि कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधा, विचार मत करो, और वेदांत कहता है चिंतन जरूर करो। तो क्या विरोधाभास है ये, तो इसको समझ लें। एक कल्पना कर लो, हम टीचर है और आप लोग स्टूडेंट हो, और मैं मिलिट्री का टीचर हूं और आप लोग रंगरूट हो, तो गलती करी आपने तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। तो क्या पनिशमेंट होगी? पिट्ठू पर 20 किलो का वजन, राइफल को ऊपर उठाओ और परेड ग्राउंड के 121 चक्कर काटो। अरे हाँ, अच्छा समझो मैं संस्कृत का टीचर हूं और आप संस्कृत के विद्यार्थी हो, और गलती करी तो पनिशमेंट दूंगा आपको मैं। क्या पनिशमेंट दूंगा? भगवत गीता को संस्कृत में 700 बार लिखो, मर गए। एक बार लिखना मुश्किल है। यदि मैं योग का टीचर हूं और आपने गलती करी तो क्या पनिशमेंट दूंगा मैं आपको? अनुलोम विलोम प्राणायाम 21,000 बार करो। तो क्या कहेगा अगला? 21,000 बार अनुलोम विलोम, मेरा नाक टूट जाएगा। देखो, तो फिर अच्छा ऐसे करो, 21,000 बार नहीं 2100 बार करो। 2100 भी बहुत है महाराज। अच्छा 21 बार करो, हाँ ठीक है शुरू कर दो। आपने शुरू किया और उसके पश्चात थोड़े समय के बाद आपने 5-6 किए होंगे, मैं कहता हूं अच्छा रुक जाओ, तुम 21,000 बार क्यों नहीं करना चाहते? थक जाएंगे, ये संभव नहीं है। अच्छा ये बताओ आप कितने बार सांस लेते हो रोज? 1 मिनट में हम 15 बार सांस लेते हैं, तो 24 घंटे में हो जाता है 216 बार, 21600 टाइम्स। कभी किसी ने ये कहा है क्या कि मैं सांस लेके थक गया हूं, अब नहीं लूंगा, बहुत हो गया? अब क्या फर्क है? प्राणायाम भी तो सांस लेना ही है ना, और हम जो सांस वो भी सांस लेना है, फर्क क्या है? फर्क एक ही है, सांस चलती है
प्राणायाम करते हैं। जहां आप करोगे वहां थकोगे। देखो, इसीलिए प्राणायाम का अर्थ योग के अनुसार प्रकृति प्रधान है, और प्रकृति प्रधान होने के कारण उसका जो प्रभाव है वो केवल प्रकृति पर ही सीमित है। वो कहेंगे यदि आप प्राणायाम करो तो आपका मन शांत रहेगा, आप यदि प्राणायाम करो तो आप स्वस्थ रहोगे, आप यदि प्राणायाम करो तो आपकी उम्र लंबी होगी। अब लंबी उम्र करके करोगे क्या? देखो, ठीक है आपकी उम्र है 70, 80, 90, 100, करोगे क्या? देखो, इसीलिए जब तक ये करने का रोग है तब तक कि हम प्रकृति के बाहर नहीं निकलेंगे। फिर केवल चिंतन करना है। जो व्यक्ति चिंतन करने के लिए सक्षम नहीं होता वो व्यक्ति योगा में लग जाता है। देखो, जितने योगा करने वाले हैं उनको कहो थोड़ा उपनिषद का अध्ययन करो। क्या होता है पढ़कर के? ठीक है मैं ब्रह्म हूं तो क्या हो गया? देखो ये ऐसे ही है। आप यदि 5-स्टार होटल में चले जाओ वहां का मेनू इतना जबरदस्त है एकदम मजा आ जाएगा। अच्छा हम गए 5-स्टार होटल में, मेनू का पाठ किया और वापस आए, पेट तो खाली है, अरे खाओ भी ना। इसी प्रकार से यदि हम ठीक से चिंतन करें तो आप देखेंगे सभी समस्याएं गल जाती है, हल नहीं करने की आवश्यकता। समस्या का हल नहीं होता, समस्या को गला देना है। और इसीलिए हम यहां देख रहे हैं इस तेजोबिंदु उपनिषद में यम नियम आसन इत्यादि का क्या अर्थ है, मौन का क्या अर्थ है। एकांत में जाकर के साधना करनी चाहिए। एकांत कहां जाओगे मुझे बताओ? वेर एवर यू गो देयर यू आर। देखो बहुत बड़ी सुंदर सुंदर जगह होती है, बहुत ही सुंदर, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की, और अंदर जाके देखो इन घरों में फ्रस्ट्रेशन की परिपूर्णता है। मुंह लटके हुए हैं, चेहरे पे तेज नहीं, बालों को सालों तक धोया नहीं, जटा बन गई है, ये कोई लाइफ है? देखो महाराज, बाहर के आडंबर से कुछ नहीं होता। और इसीलिए यहां हमको बताते हैं कि प्राणायाम किसको कहते हैं। तो पहले जो नहीं करना उसके बारे में बताते, कहते हैं दृष्टु दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टि तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी। आपको बताते हैं देखो नासाग्र दृष्टि करो। फिर डाउट आ गया, किसी भी सीधे लाइन को दो एंड होते हैं, जैसे ये माइक है, माइक का स्टैंड, एक ये एंड है माइक मेरे मुंह के पास, वो दूसरा है, नाक भी सीधा है, नासाग्र दृष्टि। महाराज ये बताओ इस अग्र पर या इस अग्र पर कहां रखे? आ गया डाउट। फिर चले गए बाबाजियों के पास, महाराज जी ये कहते हैं नासाग्र दृष्टि करनी चाहिए, यहां रखे कि यहां रखे? बाबा जी नंबर 1 यहां रखो, बाबा जी नंबर 2 यहां रखो, यहां 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 कहां रखू? देखो इसीलिए कहते हैं कि दृष्टि कहां रखनी है, ध्यान से सुनना, त्रिपुटी का जिसमें नाश हो जाता है वहां ध्यान दो। मन के द्वारा जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान में त्रिपुटी का निर्माण होता है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। अभी मुझे कोई सज्जन पूछ रहे थे कि परमात्मा जो सत असत के परे है, भाव अभाव के परे है,
तो हम तो आज तक यही सुनते आए हैं भगवान सच्चिदानंद है और आपने सच्चिदानंद को काट दिया, क्या बात है। हमने कहा देखो निर्विकल्प भी कहां है। निर्विकल्प का तात्पर्य क्या हो गया, जहां कोई विकल्प नहीं है। अभी शाम है, सुबह नहीं है, हम गोवा में हैं, बंगाल में नहीं है, 2018 है, 2017 नहीं है, हम अमीर है गरीब नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं अनपढ़ नहीं है, हम इंडियन है नॉन इंडियन नहीं है, विकल्प हो गए ना। अब अपने बारे में सोचो, क्या ये विकल्प आता है मैं हूं या मैं नहीं हूं। जब मैं नहीं हूं ये विकल्प नहीं आता तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है। देखो यदि मैं आप लोगों में आऊं और हरे को बताऊं, भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बताइए महाराज क्या। मैं आदमी हूं, स्त्री नहीं हूं। दूसरे के पास गया, मैं आदमी हूं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं स्त्री नहीं हूं। अब किसी ने भी मुझे स्त्री कहा नहीं, लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि मैं पुरुष हूं स्त्री नहीं हूं। तो 25 लोगों को कहो तो क्या कहेंगे, मुझे लगता इसी को डाउट है, यही होगा ना। जब हमारे अभाव की संभावना नहीं है तो मैं हूं ये कहने की क्या जरूरत है। तो ये सच्चिदानंद जो कहते हैं ये क्या है, असत का निराकरण करने के लिए सत कहते हैं, असत को मिटाना है। चित इसलिए कहते हैं कि जड़ता को हटाना है, इसलिए चित कहते हैं। और आनंद इसलिए कहते हैं कि दुख को निकाल देना है। हमारा जीवन क्या है, अभाव का डर है, मैं मरूंगा तो क्या होगा। ये प्रश्न इतना बेवकूफी का प्रश्न है एक, और ये प्रश्न बुढ़ाओ लोग पूछते हैं, बच्चे नहीं पूछते। एक स्कूल में हमने प्रवचन किया और बताया, क्योंकि स्कूल के बच्चों को बताते हैं वो भिन्न बात होती है, एम्बिशन अचीवमेंट सक्सेस डेडिकेशन सिंसियरिटी डिसिप्लिन ये सब बातें बताई। उसके पश्चात प्रश्नोत्तरी, तो एक बुढ़ाऊ खड़े हो गए। हमने कहा माफ करना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, मैं केवल विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं। एकदम गुस्सा, बुढ़ाऊ को जल्दी गुस्सा आता है, एंगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एज। तो वहां उससे उठ के चले गए। सब होने के बाद जब मैं प्रिंसिपल के कमरे में गया तब उनको कहा कि भाई उस टीचर को बुलाओ, उनको बड़ा गुस्सा आया था, मैं माफी मांगूंगा। वो आए, मैंने उनको कहा कि भगवत मुझे माफ कर देना, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, इसलिए कि आपका प्रश्न गलत समय पर गलत स्थान पर गलत प्रश्न था, इसलिए। आपको क्या मालूम मेरा प्रश्न क्या था, सुना भी नहीं, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। हमने कहा भगवान आपका प्रश्न ये था, मरने के बाद क्या होता है। एकदम वो हिल गए, आपको कैसे पता चला कि मेरा ये प्रश्न था। हमने कहा आपके चेहरे से आप जी कह रहे हो। जो मरने की बात करता है वो वेदांत श्रवण का अधिकारी नहीं। और क्या प्रश्न होता है, वही प्रश्न, मरने के बाद क्या होगा। हमने कहा आप जिंदा हो तो कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होने वाला है। नहीं फिर भी हमने, अच्छा फिर भी हमने पूछा आप हिंदू हो कि मुसलमान, बोले हम हिंदू है। हमने हम आपको जलाएंगे, उनको लगा मैं उनको जिंदा जला रहा हूं, ऐसे नहीं मरने के बाद। देखो फिर नहीं नहीं वैसी बात है, ठीक है दूसरा ऑप्शन, आप मरोगे तो स्कूल को छुट्टी होगी एक दिन, लेकिन संडे को मत मरना, छुट्टी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, मरने के बाद सोल कहां जाता है। देखो पहले मर के तो दिखाओ,
देखो महाराज ऐसे फंसे है इस चीज में। और फिर यही बात, स्वर्ग है नरक है, पाप है पुण्य है, धर्म है अधर्म है, इसी में पूरा जीवन चला जाता है और डर डर की जीते है। और मरने का डर, मरने के बाद क्या होगा। एक बुढ़ाऊ दादा दादी या जो भी हो, और छोटा सा पोता पोता खोता जो भी हो, एक बढ़िया तालाब के पास बैठे थे या समुन्द्र के पास, हम गोवा में समुन्द्र के पास बैठे थे, और दोनों ने पैर अपने पानी में गिले किए खड़े थे, और छोटा बच्चा एकदम फुल ऑफ लाइफ एंजॉयिंग। उस समय बुढ़ाऊ कहता है, बेटा सम डे वी हैव टू डाई। बुढ़ापे का एक लक्षण, मृत्यु के विचार मन में आते हैं, सम डे वी हैव टू डाई। अब वो बच्चा इतना खेल रहा कूद रहा है, उसने बढ़िया जवाब दिया, उसने कहा बट दादाजी रेस्ट ऑफ द डेज वी कैन लिव इज इट नॉट। वो एक दिन मरने की बात कर रहे, बाकी दिन जीने की बात करो ना। ये जब विचार आपके परिवर्तन होते हैं, तब आपको ये जो दृष्टि में परिवर्तन क्या है, ये नाक के सामने लगा करके दृष्टि नहीं, या ऊपर लगाते हैं क्रॉस रोड में पहुंच जाएंगे, काने देखेंगे, उससे कुछ नहीं होता। तो क्या कहते हैं, दृष्टु दर्शन दृश्याभ्याम दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत। जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान गेय ये त्रिपुटी शांत हो जाती है, वहां आप रहो। ये दृष्टि आंखें खोल के नहीं होती है, यह पश्यति सपश्यति। जिसने आंखें बंद करके देखने की प्रक्रिया सीख ली है, उसी को ये बात समझ में आएगी। इसीलिए ऐसा करते करते अब आगे चलते हैं, चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामस्य उच्यते। अब प्राणायाम किसको कहते, हवा भरने को नहीं कहते प्राणायाम, कहते हैं चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्। अब हमको ये भावना करनी है, ध्यान से सुनना। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में विचार आता है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना नचा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। एक तो समझ हो, समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है कोई बात। फिर क्या करे, काम से गए के बोले नहीं, भावना करो। क्या भावना करनी है, अहम ब्रह्मास्मि, ध्यान से सुनना, मैं देह हूं, मैं गोवा का हूं, ये केवल भावना ही तो है। देखो हमारे महेश की छोटी सी चुटकी, उसको कहा था कि यू आर ए गोवानीज इज इट नॉट, नो आई एम ए सिंधी। अब उस बेवकूफ को ये भी पता नहीं गोवानी सिंधी में क्या फर्क है, लेकिन ये भावना कर ली है उसने कि मैं गोवा के नहीं हूं, मैं सिंधी हूं। देखो अब भावना ही तो कर रहे हैं हम कि मैं देह हूं, ये भावना ही तो है और क्या है। ये लड़कियों की भावना होती है, मैं बड़ी सुंदर हूं, ये भावना ही है। दूसरों को पूछो ना, वो कहेंगे क्या कबूतर की बात कर रहे हो। अरे भावना ही करनी है तो ऐसी भावना क्यों ना करे कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं। लेकिन हमको सिखाते हैं पापो हम पाप कर्मा हम, कोई पाप भी नहीं है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। देखो तो पता चलेगा हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। देखो एक बहुत बड़ी महत्व की बात आपको बता रहे, एक बार इंग्लैंड की बात है,
एक अम्मा ने मुझे एक लिखा, काफी टू कट शॉर्ट द स्टोरी, मैं काफी लंबा ट्रेवल करके गया था, 8-9 घंटे फ्लाइट, उसके बाद 4 घंटे का ड्राइव, और पहुंच करके स्ट्रेट अवे लेक्चर शुरू हुआ। बाथरूम को जाने को भी टाइम नहीं दिया, बीच में चर्च में था। लेक्चर के बाद चाय पानी हो गए, सब अंग्रेज लोग अगल बगल में, फिर कहीं जाके डिनर किया। उसके बाद फिर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टिबेट पर, तो ये जो अम्मा मुझे कहती है कि स्वामी जी गो एंड टेक रेस्ट, आई सेड लुक हियर, आई एम नॉट योर बेबी, आई विल डू व्हाट एवर आई वॉन्ट, यू माइंड योर बिजनेस। नो नॉट दैट वे, आप थक गए होंगे। हमने कहा मैं थका वका नहीं, मुझे आई एम एंजॉय। नो आई वॉन्ट टू आस्क यू, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, आई गेट टायर्ड सो इजीली, हाउ कम यू डोंट गेट टायर्ड। हमने कहा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट बी लाइक मी। नो व्हाई? से नो बियर्ड, लेंथ ऑफ द बियर्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू द डेप्थ ऑफ विजडम, हाफ द बियर्ड डाउटफुल इज द विजडम, नो बियर्ड। नो प्लीज टेल मी, आई सेड लिसन, योर होल लाइफ इज ए स्ट्रगल, यू आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग टू समबडी, स्टॉप दैट। मेनी ऑफ अस ट्राई टू बी गुडी 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 गुडी, सी मेनी ऑफ अस ट्राई टू जस्टिफाई व्हाट एवर आई एम डूइंग लाइक दैट। भगवान कृष्ण की इतनी पत्नियां थी, ये प्रश्न एक बार किसी ने पूछा था मुझे, बोले स्वामी जी भगवान कृष्ण की इतनी पत्नियां थी तो वो भगवान कैसे है? राम को तो मानने को तैयार है, कृष्ण को मानने को तैयार नहीं। हमने कहा तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? बोले एक। तुम उसको सुखी रख सकते हो क्या? बोले नहीं। भगवान कृष्ण ने 16108 को सुखी रखा था, भगवान ही कर सकता है, आदमी नहीं कर सकता। देखो महाराज कैसे चिंतन करते हैं हम, तो यहां चिंतन की प्रक्रिया है, चित्तादि सर्व भावेशु भावनत ब्रह्मत्वे नैव भावनात्, तो यही भावना करनी है, अपने आप को कोसो मत, पापो हम पाप कर्मा, नहीं। जो दुखी होता है वो हृदयस्थ परमात्मा का सबसे बड़ा अपराधी है, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं। दुखी होना सबसे बड़ा पाप, दूसरे को दुखी करना सुपर पाप। देखो महाराज, और सबसे बड़ी साधना प्रसन्न रहना। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, प्रसन्नता। राजस्थान में एक स्थान है चिदावा, हम वहां जाते, पिलानी के पास है, कभी कभी जाते हैं। वहां के पेड़े बड़े प्रसिद्ध है, बड़े अच्छे होते हैं, जैसे बीकानेर की भुजिया है वैसे वहां के। तो एक हमारे मित्र मारवाड़ी, वो हमको कह रहे थे, ले जा रहे थे अपने कार में कहीं दर्शन करने के लिए। बोले स्वामी जी आपको पता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, यू टेल मी एंड आई विल डू दैट। तो नॉर्मली उसको ये एक्सपेक्ट था कि स्वामी जी कहेंगे यहाँ डोनेशन दे दो, ये स्कूल करो। तो मैंने कहा मानोगे क्या? बोले हाँ मानेंगे। पक्की बात? बोले पक्की बात। हमने कहा मौज में रहो। इतना उसको गुस्सा आया, स्वामी जी आपको दूसरा कुछ आता नहीं क्या? ना आता है क्या? दुखी रहो। फिर हम गए वहां दर्शन करने के लिए, और वहां समाधि थी एक बहुत बड़े महात्मा की। दर्शन वर्शन किया, और चारों तरफ से जो दीवार थी कंपाउंड की वो कम से कम 12-14 फीट ऊंची थी, और छोटा सा दरवाजा झुक के जाना पड़ता था। दर्शन लेके जब हम वापस जा रहे थे तो उस दरवाजे के बगल में लिखा हुआ था दीवार पर, मैंने पहली बार वहां गया था, वहां लिखा था हमेशा प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी भगवान की भक्ति है। मैंने उसका सर लिया
और जहां लिखा था वहां ठोका तीन बार। या पढ़ो इसको। हमको यही लगता है साधना माने जब करो, अरे वो करो कुछ बात नहीं, डू व्हाट यू लाइक बट यू शुड बी हैप्पी। हम लोग खुशी को प्राप्त करने के लिए परेशान होते हैं। नेवर ट्राई टू गेट हैप्पीनेस, डोंट सीक हैप्पीनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस। देखो तब जा करके हम योगा अभ्यास कर रहे हैं तो चित्तादि सर्वभावेशु ब्रह्मत्वेनैव भावना, हमारा चित्त मन हमेशा प्रसन्न रहे। देखो भगवान का तात्पर्य आनंद, आनंद का कोई जेंडर नहीं होता। उसी में फंसे रहेंगे रे तो बस, इन्होंने ऐसा कहा उन्होंने वैसा कह रहे, मारो गोली। जो अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। देखो कई शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका प्रभाव पड़ता है। यदि आप कहो जो दूसरे के कारण दुखी होता है वो अज्ञानी होता है तो उसमें जोश नहीं आता, बेवकूफ को तो समझ में आ जाता है क्योंकि बेवकूफ है। नारायण चित्तादि सर्वभावेशु ब्रह्मत्वे वैन भावना निरोधा सर्ववृत्ति नाम। देखो फिर क्या होगा, अपने आप आपकी वृत्तियां शांत हो जाएगी। ध्यान से सुनो, अब भी करके देखो। आकाश का चिंतन करो, स्पेस, थिंक ऑफ स्पेस ओनली। आकाश निराकार है, जो निराकार होता है वो एक होता है, जो साकार है वो अनेक है। बिना किसी प्रयत्न से हम लोग छोटी छोटी बातों में फंसे। वाइफ ने ऐसा कहा, हस्बैंड ने ऐसा कहा, सास ने ऐसा कहा, बहू ने ऐसा कहा, अरे मारो गोली सबको। मात पिता बंधु सखा अपनो नहीं कोई, इसी में मत फंसे रहना। देखो या तो दूसरी बात, शब्द अनेक होते हैं, शब्द का अभाव या शांति एक है। अब इस शांति को श्रवण करने का प्रयत्न करो, लिसन टू साइलेंस। चित्तवृत्ति निरुद्ध हो गया, इसको कहते हैं प्राणायाम। जितनी हवा भरोगे उतना ज्यादा विक्षेपित होगा मन। देखो निरोधा सर्ववृत्ति नाम प्राणायाम से उच्यते। आगे कहते हैं निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरितः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति पूरको वायु उच्यते। प्राणायाम में दो होता है, एक है रेचक और दूसरा है पूरक। रेचक माने ब्रीदिंग आउट, हम जब हवा नाक से बाहर छोड़ते हैं उसको रेचक प्राणायाम कहते हैं, अब जब हवा अंदर भरते हैं तब उसको पूरक प्राणायाम कहते हैं। तो ये पूरक रेचक का अर्थ क्या है ज्ञान की दृष्टि से, कहते हैं निषेधनम प्रपंचस्य, इस जगत को जब तक आप सत्य मानोगे तब तक के परेशान रहोगे। ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, कोई नई बात नहीं हुई जगत में। देखो आजकल टेररिस्ट को लेकर के लोग इतने परेशान होते हैं, मुझे बताओ अपने हिटलरानंद महाराज जब थे कितने लोगों को उन्होंने मारा, पकड़ पकड़ के मारा ना, कब नहीं था ऐसा। लेकिन ऐसे लगता है कि कब क्या हो रहा है आजकल। एक सज्जन ने हमको पूछा और कहा स्वामी जी आप भगवान के भगत हो, हाँ है,
वो कहते आपके भगवान कृष्ण कब अवतार लेने वाले? हमने कहा, उन्होंने कहा अभी टाइम है, अभी जल्दी नहीं है। तो बोले इतनी खराब दुनिया है, इससे और कब खराबी होगी? कितनी खराबी चाहिए उनको अवतार लेने के लिए? क्योंकि उन्होंने क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और कौन सी ग्लानि बाकी है? हमने कहा चिंतन करो, सब समस्या हल हो जाती है, चिंतन करो। हम लोग चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं, नहीं तो आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं तो कंप्लेन करते हैं। आर्ग्यूमेंट नहीं, चिंता नहीं, कंप्लेन नहीं, चिंतन करो। बोले इसमें क्या चिंतन करना है? ये चिंतन ऐसे करना है, पहले ये दुनिया ऐसी नहीं थी क्या? आई डोंट थिंक। बहुत बढ़िया, बाद में ये दुनिया इतनी खराब नहीं रहेगी, अब इसी और क्या खराबी हो सकती है? बहुत बढ़िया, पहले आप थे क्या? बोले नहीं जी, मैं नहीं था। बाद में आप रहोगे? नहीं जी, अभी आप हो और दुनिया खराब है। कारण समझ भी आया? आपके कारण दुनिया खराब है, आप बदलो, दुनिया बड़ी सुंदर है। इसी दुनिया में साधु संत रहते हैं, इसी टाइम स्केल पर जीते हैं। स्वामी विवेकानंद का पब्लिश लिटरेचर भी आप पढ़ो तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो क्या उनके समय में एक दिन के 40 घंटे होते थे? क्या उनके समय में एक हफ्ते के 15 दिन होते थे? वही टाइम स्केल है, वही सब कुछ है, पॉलिटिकल टर्मोइल, कौन सा फर्क था? लेकिन एक बन गए विवेकानंद, दूसरे बन गए गड़बड़ानंद। देखो संतो, इसीलिए यहां जो बताते हैं यही भावना है, निषिधर्म प्रपंचस्य, ये जगत को लेकर के ज्यादा परेशान मत होना, ये दुनिया ऐसी ही रही है। तो क्या करना, अपने आप को बचाओ। हम इस दुनिया में अपने उद्धार के लिए आए हैं। देखो उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, उसके लिए हम आए। और आगे कहते हैं, इसको कहते हैं रेचक प्राणायाम। दूसरा ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति पूरको वायु रुच्यते। और पूरक प्राणायाम क्या हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, इंसिस्ट यू आर डिवाइन, इंसिस्ट। देखो आदमी प्रैक्टिस करते करते ही झूठ बोलने लग जाता है, देखो केवल प्रैक्टिस का प्रभाव है और कुछ नहीं, अभ्यास। आपने देखा होगा कई लोगों को यह अभ्यास होता है, एक हमारी अम्मा है बड़ी प्यारी है, उनको कुछ भी कहो उत्तर एक ही है, नहीं नहीं उनको कहा अम्मा चलो खाना खाते, नहीं नहीं चलो खाना खाएंगे, ये नहीं नहीं क्या है, अभ्यास। तकिया कलाम जिसको कहते, आई मीन यू आर ए मीन, आई मीन क्या होता है? तो ये केवल अभ्यास का प्रभाव है। इसी प्रकार से हमने अभ्यास यही किया है, आई एम अनफॉर्चुनेट, आई एम नोबडी लाइक्स मी, आई एम सो लोनली, नो, इंसिस्ट यू आर डिवाइन। इस जगत का दर्शन हमको वैसे ही होता है जैसा हमने अपने आप को समझा है। यदि मैंने अपने आप को आदमी समझा है तो मेरे लिए दुनिया क्या है, स्त्री और पुरुष। यदि मैंने अपने आप को अमीर समझा है तो दुनिया क्या है, अमीर और गरीब। यदि मैंने अपने आप को पुण्यवान समझा है तो दुनिया पापी पुण्यवान। यदि हमने अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचाना है कि दुनिया परमात्मा ही है। देखो जैसे जैसे ये भावना बढ़ती है ना, वैसे वैसे समझदारी भी बढ़ जाती है। फिर क्या समझदारी बढ़ती है, तब पता चलता है ये जो संसार संसार की बात होती है, 14 भुवन का संसार है, चतुर्दश भुवनानि,
भूर्भुव स्वहा महाजनः तपः सत्यम। उसके बाद अतल वितल सुतल तला तल रसातल पाताल महातल 14 भुवन, और हम भटकते रहते हैं जैसे 14 डब्बे वाला टिफिन बॉक्स, वैसे नहीं इसका अर्थ। देखो जिस अनुभूति में कामना का साम्राज्य है उस अनुभूति को संसार कहते हैं। एक ही सिद्धांत पकड़ लो, देखो संसार गायब, ना स्वर्ग में जाना है ना नरक में जाना है। देखो एक कथा आती है महाभारत में, बड़ी सिंपल कथा है, आप सबको पता है। हमारे अर्जुन सिंह चले गए इंद्रलोक में, स्वर्ग में चले गए, और वहां इंद्रलोक में जाने के बाद वहां की जो अप्सराएं थी वो अर्जुन पर लट्टू हो गई। अर्जुन दिखने के लिए बड़ा हैंडसम था, बड़ा अच्छा था, और वहां की अप्सरा, आपको बताया ना हमारी हिंदी भाषा में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अप्सर कहते हैं, तो वहां की जो अप्सराएं थी वो इस पर लट्टू हो गई और उससे भोग चाहती थी। तो अर्जुन ने कहा कि ये गलत तुम विचार कर रहे हो, इंद्र मेरे पिताजी है, तो तुम इंद्र भोग्या इसीलिए मुझे मातृतुल्य हो, तो ये विचार आपके मन से हटा दो, गलत बात है। व्यक्ति को जब कामना का आवेग आता है ना तो व्यक्ति का सब विवेक नष्ट हो जाता है। तो फिर उसने जब ना कह दिया तो उस अप्सरा को गुस्सा आया और उसको कर्ज कर दिया, तुम नपुंसक बनोगे। अब हमको सीखना क्या है, इंद्रलोक में रहते हुए भी उसी काम ने अर्जुन को शाप दिलवाया। देखो तो कामना कहीं भी हो सकती है, और आप देखेंगे ये जितने भी बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, ऋषि होते हैं, उनकी जीवनी देखो, एक दूसरे को शाप दे रहा है, उसको शाप दे रहा है, उसको शाप दे रहा है, सभी शॉपिंग सेंटर खुल गए, मोबाइल शॉपिंग सेंटर। देखो संतो, इसीलिए दुनिया दुनिया माने क्या, कामना का प्रभाव है तो हम संसार में है, कामना से मुक्त है तो हम परमात्मा है। कठोपनिषद में आता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए नष्ट हो जाती, अब कोई कामना नहीं, देखो तो हमारे जीवन को कौन चला रहा है, काम या शाम? काम के अनुसार चलेंगे तो गुलाम बन जाएंगे, और शाम के अनुसार चलेंगे तो मौज में रहोगे। इसीलिए जो पूरक वायु है वो है अहम ब्रह्मास्मि, और जो रेचक वायु है वो है जगत मिथ्या। जगत के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा अब ये हो गया पूरक और रेचक प्राण। अब कुंभक पारायण की बात करते हैं। ततः तद्वृत्ति निश्चल्यम कुंभक प्राण संयम अयम चापी प्रबुद्धानाम अज्ञानाम घ्राण पीड़नम। कहते जब हमने इस स्थिति में पहुंच गए, जगत को केवल प्रतीति के रूप में तिरस्कार किया और अपने को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया, और इस स्थिति में अब निश्चल हो गए। ये निश्चल्य क्या है, हमारे अंतकरण में एक भी वृत्ति का जन्म नहीं होता। ये भी बात हमने आपको कई बार बताई है, प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं, अपने स्वरूप के बारे में एक भी प्रश्न नहीं आ सकता। देखो जितनी ज्यादा प्रश्न पूछोगे उतना आप अपने से दूर भागोगे। फिर
जिसके बारे में एक भी प्रश्न नहीं है उसको पकड़ो। तो किसके बारे में प्रश्न नहीं है? हमको प्रश्न नहीं है, मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसके बारे में किसी को भी प्रश्न नहीं है। जब प्रश्न नहीं है तो विचार कहां से आएंगे? देखो, इसको कहते हैं कुंभक प्राणायाम। ध्यान से सुनना, योग शास्त्र का जो प्राणायाम है वो हवा भरने का है, और यह जो ज्ञान शास्त्र का प्राणायाम है वो वृत्तियों को शांत करके स्वरूप में वापस लौट आने का है। देखो, उसको कहते हैं कुंभक। बी अटेंटिव। कुंभक तीन प्रकार के होते हैं, एक बहिर्कुंभक, एक अंतर कुंभक और तीसरा केवल कुंभक। बहिर्कुंभक माने क्या? आपने हवा निकाल दी, रेचक किया और हवा को बाहर ही रखा, अंदर मत घुसने दो, उसको कहते हैं बहिर्कुंभक। ट्राई करके देखो, आप सांस निकाल दो एंड होल्ड आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर, देखो ये बहिर्कुंभक हो गया। और अंदर हवा भरो और होल्ड फॉर हाफ एन आवर, इन दोनों में प्रयत्न है। जहां प्रयत्न है वहां प्रकृति है, जहां प्रयत्न है वहां मैं है, जहां प्रयत्न है वहां संसार है, जहां प्रयत्न है वहां दुख के सिवा कुछ नहीं। अब तीसरा जो कुंभक है, जिसको कहते केवल कुंभक। केवल कुंभक माने हम प्राणायाम करते नहीं, हम कुंभक करते नहीं, कुंभक हो जाता है। देखो, हमने किया कुछ नहीं। त्रिपुरा रहस्य इस ग्रंथ में इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। वहां उन्होंने दर्जनों उदाहरण दिए हैं। वहां कहते हैं एक हाथ बार कोई ऐसी घटना हो जाती है कि जो हमने कभी एक्सपेक्ट करी ही नहीं थी। आप बैठे हो और शांत बैठे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मन बड़ा प्रसन्न है आपका, और फिर आपने सोचा चलो उठ के निकल जाते। आपने आँख खोली और आपके सामने एक नाग खड़ा है, बिना कुछ किए कुंभक हो गए। देखो, उसमें हम प्राणों को रोकते नहीं, सब एकदम स्टॉप हो जाता है, केवल कुंभक। तो यहां कहते हैं कि तथा तद्वृत्ति नैश्चल्यम, जब जगत का मिथ्या करके त्याग कर दिया, अपने को परिपूर्ण स्वीकार कर लिया, तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे भगवान रमण महर्षि की बात यही है, उन्होंने कभी भी मौन नहीं रखा, उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, ना किसी को कुछ समझाना है, ना किसी को कुछ पूछना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं पाना है, ना कुछ खोना है, ना कुछ, फिर सिर्फ होना है, जस्ट बी। इस अनुभूति को जो प्राप्त कर लेता है उसको भक्ति की भाषा में कहेंगे अनन्या चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम का तात्पर्य है योग माने जो नहीं वो प्राप्त हो जाए, क्षेम माने जो है वो बचा रखे। तो जिसके जीवन में योगक्षेम का प्रभाव समाप्त हो गया कौन होगा? वो अनन्या चिंतयंतो माम, जिसने अपने आप को परमात्मा से अन्य स्वीकार नहीं किया,
अनन्य, अन्य माने दूसरा, अनन्य माने दूसरा नहीं। उसके बाद ये जना परियुपासते, ऐसे नहीं कि केवल मेडिटेशन के लिए बैठे तो हम ब्रह्मास्मि, बाहर में फिर ब्रह्मोस्मि, लेक्चर देते समय ब्रह्म, लेक्चर के बाद ब्रह्म, नो। देखो तो परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, आप नित्य उसी के साथ रह सकते हो जो नित्य है। अनित्य के साथ आप कैसे नित्य रहोगे? देखो हमारी मीराबाई कहती थी, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, मैं तो ऐसे वर को वरूंगी कि मेरा ये जो होता है चुड़िया वो हमेशा अमर हो जाए। शादी करनी है तो प्रभु से करो ना। यही बात यहां कहते हैं, तथा तद्वृत्ति निश्चल्यम कुंभ कहा प्राण संयम। फिर यह स्थिति कभी भी घटती नहीं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। देखो महाराज, अपनी ये जो स्थिति है ये कभी भी विचलित नहीं होती। ये अपने स्वरूप में स्थित होना, इसको कहते हैं प्राणायाम। और कहते हैं अयम चापी प्रबुद्धानाम, लेकिन ये किसके लिए है? जो ये समझदारी की बात कर रहे हैं, और बाकी के जो है वो माने केवल शरीर से ही योगा कर रहे हैं, उनको कहते हैं अज्ञानाम घ्राण पीड़नम। घ्राण माने नाक, पीड़नम माने तकलीफ देना। देखो हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी आप योगा करते हो? मैं कभी नहीं करता। तो बोले प्राणायाम, हमने कहा मैंने, बोले क्यों नहीं करते प्राणायाम, अच्छा होता है। हमने कहा देखो मेरी कंफ्यूजन है, मैं भूल जाता हूँ किधर से हवा भरी है किधर से निकालनी है, याद ही नहीं रहता इधर से भरी कि इधर से भरी, परेशान। छोड़ो ना हवा भरना, शांत रहो। इसको भगवान रमण महर्षि कहते हैं वीक्षण प्राणायाम। वीक्षण प्राणायाम माने क्या? सांस चल रही है, केवल इसके बारे में हम अवेयर है। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग। ये योगी लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अन्य पर होता है, अपने पर। We are self-aware, self-awareness, not self-concentration. देखो concentration ये प्रकृति में है, कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन awareness 24/7 है, वही अपना स्वरूप है। देखो तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है तब आप देखेंगे सूक्ष्मता के साथ तीन चीजें सहज हो जाती है। एक चीज अपना आसन स्थिर हो जाता है, दूसरी चीज अपने जो प्राण चल रहे हैं वो धीमे हो जाते हैं और हल्के पुल्के हो जाते हैं, और तीसरी बात मन बिना प्रयत्न के शांत हो जाता है। आप अपने में देखो, आपका आसन स्थिर हो गया है, आपके प्राण बड़े हल्के पुल्के और धीमे चल रहे। भगवान कहते हैं नासाभ्यंतर चारिणौ, मानो प्राणों का आवागमन केवल नासिका का जो भाग है उसी में हो रहा है, और मन एकदम शांत है। आपने
ना यम किया, ना नियम किया, ना आसन किया, ना प्राणायाम किया, केवल चिंतन किया। जितनी समस्या है ये गलत विचारों की समस्या है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते, ये अविचार यही है कि हम अपने आप को सबसे अलग चाहते हैं। अविचार यही है ये जगत को सत्य मान करके यहां झूठ मूठ का धंधा करते हैं। अविचार यही है कि हम दूसरे को धोखा दे करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, यही अविचार है। इस सब में एक बात है, मनुष्य सबसे ज्यादा धोखा यदि किसी को देता है तो अपने आप को देता है, अन्य को नहीं देता। लोगों को मालूम है ये धोखेबाज है यार छोड़ो, लेकिन वो अपने आप को धोखा दे रहा है ये उसको समझ में नहीं आता। ऐसा व्यक्ति बाहर से दिखाएगा कि बड़ा खुश है, लेकिन अंदर में उसको फ्रस्ट्रेशन होगा, जेलसी होगी, अपने आप से प्रसन्न नहीं रहेगा। देखो उसका जीवन जैसे मेकअप के जैसा जीवन होता है। ये ब्यूटी पार्लर से जब लड़कियां निकलती है ना तो कितनी सुंदर दिखती है, जो सुंदर दिखता है वो होता नहीं। इसी प्रकार से ये बाहर के दुनिया में दिखाएंगे हा हा हु, लेकिन अकेले बस फ्रस्ट्रेशन है, डिजेक्शन है, ये कोई लाइफ है? इसीलिए गलत विचारों का त्याग दे। और गलत विचारों का त्याग देना माने क्या है, ध्यान से सुनना। अपने जीवन को कैसे चलाना ये हमारा स्वयं का निर्णय ना हो। देखो हमारे पास सैमसंग फोन है, इसको भी लेकर के पब्लिक के प्रश्न, स्वामी जी आप इतने हाईटेक हो, आईफोन नहीं है आपके पास? हम उनको बताते देखो हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आईफोन वाले बड़े अहंकारी होते, आए आए आए, हम तो भगवान के भक्त है तो फिर क्या। तो ये जो सैमसंग है ना इसका ओरिजिनल नाम है श्याम संग, कन्हैया के साथ। तो ये सैमसंग फोन इसमें जो जो फंक्शन है ये कौन बताएगा? ये क्या एप्पल फोन बताएगा या माइक्रोसॉफ्ट बताएगा? ये फोन की परफेक्ट यूटिलिटी, क्या संभावना है, ये बताने का अधिकार केवल सैमसंग कंपनी को ही है। उन्हीं को मालूम है उन्होंने इसके अंदर क्या डाला है। इसी प्रकार से हमको बनाने वाले कन्हैया ने हमारे जीवन को कैसे चलाना है ये बताने के लिए जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है, उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल का नाम है भगवद गीता। उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ ना। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अपने जो कर्तव्य है वो करो, आपकी जीवन में कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। दूसरी महत्व की बात हो जाती है, व्यक्ति जब कर्तव्य में बिजी रहता है उसके द्वारा गलत चीजों में जाना संभव ही नहीं है, इतना बिजी है कि मरने को फुर्सत नहीं। देखो इसीलिए अपने स्वरूप के पास लौट के जाना यही अध्यात्म है। आगे कहते हैं विषयेषु आत्मता दृष्टा मनश्चित्त मनसः चित्तरंजनम प्रत्याहारस्य विज्ञेयो अभ्यसनीयो मुमुर्मुः। कहां तक आए हम? यम नियम आसन प्राणायाम चार हो गए, अब प्रत्याहार। प्रत्याहार माने क्या, ध्यान से सुनना। दुनिया बाहर है, ये बाहर के दुनिया से कैसे व्यवहार करना ये चारों में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम। अब ये दुनिया हमारे अंदर कैसे घुसती है, ये दुनिया हमारे अंदर प्रवेश करती है इंद्रियों के दरवाजों से। तो अपने इंद्रियों के दरवाजों को सहजता से नियंत्रण में लाना, उस अभ्यास को कहते हैं प्रत्याहार। आहार माने खाना, प्रत्याहार माने नहीं खाना।
देखो इसके लिए होते हैं उपवास इत्यादि. देखो आज एकादशी है या कल एकादशी है तो आज से ही इनका चिंतन शुरू हो जाता है. कल एकादशी क्या खाएंगे? अरे राम राम, साबूदाना की खिचड़ी खाए या उसके वड़े बनावे, ये करे वो करे. वो साउथ में अच्छा है, एकादशी के दिन सब खाते हैं, इडली डोसा रवा सब चलता है. ये अब चिंतन चल रहा है खाने का, भगवान का चिंतन कहाँ हो रहा है? देखो इसीलिए अब प्रत्याहार, प्रत्याहार माने क्या? विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा, ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है. रूप रंग केवल अपने दृष्टि का स्थूलीकरण है. जैसे बर्फ पानी का स्थूलीकरण है, पानी का अपना आकार नहीं. बर्फ आकार युक्त पानी को कहते हैं. इसी प्रकार से दृष्टि का कोई रंग नहीं, दृष्टि का कोई रूप नहीं. ये जो रूप रंग रहित दृष्टि है, ये जब रूप रंग धारण कर लेती है तब उसी दृष्टि को विषय कहते हैं. अब ये बात सुन के समझने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए? हाँ, कितना टाइम ही, अभी खत्म ही नहीं हो रहे, मुझे गर्म हो रहे हैं, ठंडा हो रहा है. देखो महाराज, जिनको तबला बेटी का चक्कर है ना, उनको उनकी यहां पिट जाती है. चिंतन करना ये अध्यात्म है, चिंता करना ये संसार है. चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता ये दोनों जुड़वी बहने हैं. चिता शव को जलाती है, चिंता जिंदे आदमी को जलाती है. दोनों जल रहे हैं. इसका एक ही कारण है, हमने कभी चिंतन करना चाहिए ये सोचा ही नहीं. पूरा जीवन चिंता करने में ही गया और चिंता से एक भी समस्या का समाधान नहीं होता और चिंतन से एक भी समस्या का निर्माण नहीं होता. चिंतन करो ना. देखो इसीलिए प्रत्याहार किसको कहते हैं? विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा, जब ये पता चलेगा कि हमारी दृष्टि ही विषय बनी है तो विषयों के प्रति माने रूप रंग के प्रति हमारा दुराग्रह खत्म हो जाएगा. और वैसी ही है कि नहीं? देखो अब हमारी दृष्टि सभी रंगों को प्रकाशित कर रही है, लाल को, नीले को, सफेद को, पीले को. तो ये दृष्टि जो है किसी रंग के प्रति दुराग्रही नहीं है, सभी रंग को प्रकाशित कर रही है. कारण क्या है? दृष्टि ही रूप रंग है, मन ही सब विचार है. अच्छा भी विचार मन है और बुरा विचार भी मन है. लेकिन इसमें सत्य क्या है? अच्छा बुरा ये सत्य नहीं है, मन सत्य है. तो जब आप मन के स्तर पर आके रहोगे किसी भी वृत्ति से प्रभावित नहीं होगे. और यदि वृत्ति से प्रभावित हो जाते हैं तो मन से हम भटक गए. देखो संतो, इसी प्रकार से एक ही चैतन्य स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके जागृत पुरुष बन जाता है, वही चैतन्य सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करके स्वप्न पुरुष बन जाता है, वही चैतन्य इन दोनों के अभाव के साथ तादात्म्य करता है सुषुप्त पुरुष बन जाता है, वही चैतन्य प्रयत्न से सभी उपाधियों से हटने का प्रयत्न करता है उसको समाधिस्थ पुरुष कहते हैं. लेकिन ये चार उपाधियों के कारण एक चैतन्य चार नहीं बना, वो एक ही है.
जहां हमारी दृष्टि इस एक तत्व पर होती है तब जाकर के हमने प्रत्याहार किया है। प्रत्याहारस्य विज्ञेयः। तात्पर्य क्या निकला? जगत के विषयों के प्रति हम गुलामी ना रखे। और गुलाम वो है जो अवलंबित है, कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट ऑन दिस और दैट। महाभारतकार कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। देखो जो परवशता है वो दुख है, जो आत्मवशता है वो सुख है। देखो हमारे बंबई की बात बताऊं, बंबई की जो हमारी माताएं हैं उनके पति ने समझो कहा कि देखो मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा और रात को 11 बजे तक नहीं पहुंचे तो उन अम्माओं को कोई परेशानी नहीं होती, कोई भीड़ भाड़ होगी आ जाके बैठ गए होंगे ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं, आराम से खाके सो जाएगी। लेकिन सुबह 7 बजे आने वाली काम वाली 7:15 बजे तक नहीं आती तो उनका दिल धड़कने लग जाता है, अब क्या होगा कैसे होगा, वो पति से ज्यादा वैल्यूएबल काम वाली है। कारण क्या है? परवशता, ये सब मुझे करना पड़ेगा। देखो इसीलिए प्रत्याहार यही है कि हम जगत के किसी वस्तु व्यक्ति पर किसी भी चीज के लिए अवलंबित ना रहे। डिस्कवर योर फ्रीडम, उसमें देखो कितना आनंद है। यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मणस्तत्र तत्र दर्शनान् मनसो धारणम देव धारणासा परामता। अब प्रत्याहार से हमने सब दरवाजे बंद कर दिए, अब हम अंदर पहुंच गए। यम नियम आसन प्राणायाम बाहर के खत्म कर दिया, प्रत्याहार करके दरवाजे बंद कर दिए, अब हम अंदर घुस गए। अपने अंदर क्या है? मन है। अब मन को लेकर के 3 साधनाएं बताते हैं, धारणा ध्यान और समाधि। धारणा होती है देश प्रधान, ध्यान होता है वस्तु प्रधान, और समाधि होती है काल प्रधान। तो बताते हैं अपने मन को एक स्थान पर एक देश पर बांध लो। तो बैठे हैं आप आंखें बंद करके प्रत्याहार के कारण, फिर अपने मन को अपने ये आध्यात्मिक हृदय में ले आओ। अब यहां से बाहर नहीं जाने देना। जैसे बैल को खूंटी से बांध देते हैं ना, वैसे मन को एक स्थान पर बांध दो, अब कहीं नहीं जाना। ये अभ्यास। फिर उस वस्तु उस स्थान में एक वस्तु को रखो, पोल्ट्री फार्म नहीं, एक वस्तु, भगवान श्री कृष्ण। अब 2 कारणों से मन बंध गया है, धारणा से देश में बांधा गया और ध्यान से वस्तु से बांधा गया। अब तीसरी बात काल की, जब हमारा मन एक ही स्थान पर एक ही वस्तु के साथ लंबे समय तक बांधा रहता है तब उसको समाधि कहते हैं। देखो आपका आसन कितना स्थिर हो गया, प्राण हल्के पुल्के हो गए, मन में वृत्तियों का उठना बंद हो गया। मन को लेकर के हम लोग नॉर्मली कंप्लेन करते हैं, मन को लेकर के समझना कि ये मन चीज है क्या, क्यों भटकती है इधर उधर में। तो चिंतन शुरू कर दो उसी मन से, तो पता चलेगा जिसको जिसको हमने महत्व दिया है
उसी को लेकर के मन में विक्षेप आते हैं। यदि महत्व हमने दिया है तो हमको ही डीवैल्यू करना पड़ेगा। देखो कोई भी व्यक्ति मुंह में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता, तो ये कैसे शुरू होता है सिगरेट पीना? हम ही महत्व देते हैं। कहीं बिलबोर्ड पर देखा एक लड़का बैठा है एक होंडा मोटरसाइकिल पर, उसके मुंह में सिगरेट है, पीछे से होंडी हाथ डाल करके उसको आग लगाती है, सिगरेट को, लड़के को नहीं सिगरेट को आग लगाती है। और हमने देख लिया और कल्पना करते हैं वो लड़का मैं ही हूं, सिगरेट है, अब सिर्फ लड़की की कमी है। देखो महाराज, ये केवल अपने कल्पना का साम्राज्य है। हम ही कल्पना करते हैं ऐसा का वैसा करना चाहिए। आपने जिसको महत्व दिया है वही आपके विक्षेप का कारण है। किसको भी महत्व दो, आप साफ सफाई को महत्व दो, यू विल बी मोस्ट मिजरेबल इवन इन द हॉस्पिटल। देखो पंक्चुअलिटी को महत्व दो, यू विल बी ऑलवेज डिस्टर्ब। शांति को महत्व दो, स्मशान में भी आपको आवाज सुनने को आएगी। आपने जिसको महत्व दिया है वही आपके दुख का कारण है। रिकॉग्नाइज दिस प्रिंसिपल। आप मेडिटेशन को महत्व दो, मैक्सिमम मिजरेबल आप होगे। क्या हो रहा, देखो ना मैं मेडिटेशन करती हूं लेकिन समझ में नहीं आता घर में किसी को, यही समझ में नहीं आता क्यों कर रही हो? अरे बढ़िया खाना खाओ मौज में रहो, नहीं मेडिटेशन करो। देखो आपने महत्व दिया है, आप डीवैल्यू करो। देखो इसीलिए अब यहां जो बताते हैं कि धारणा किसको कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शना। धारणा देश लेकर के होती है, तो जहां जहां हमारा मन जाता है वहां वहां परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करें। कैसा प्रयास करें? हमारे जीवन में आने वाली हर एक वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति परमात्मा स्वरूप ही है। तो क्या होगा, हर एक अनुभव, हर एक स्थान पर हमको परमात्मा का स्मरण कराएगा। अब ये अपना सबका अनुभव है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, दूर से कोई एक मंदिर का कलश दिखता है, तो जैसे हमने उस कलश को देखा तो एकदम मन में विचार आ जाता है ना, अरे यहां किसका मंदिर होगा? तो देखा कलश को और स्मरण किसका हुआ? मंदिर का। और मंदिर किसका होगा? भगवान का। यही यदि हमने अभ्यास किया कि हमारे जीवन में परमात्मा के सिवा और कोई नहीं आता, जहां भी जाओ प्रभु ही आपका साथी है। आपको इसका एक उदाहरण बताते हैं। हम एक बार जर्मनी में थे, लंदन से गए जर्मनी। लंदन की करेंसी है पाउंड्स, जर्मनी की है यूरो। अब जब हमको अपने बैग्स को लेकर जाना था तो वो ट्रॉली लेनी थी। अब ट्रॉली में जब तक के कॉइन नहीं डालो एक दो यूरो के, वो खुलती नहीं, लॉक हो जाती है। तो मैंने अपना 20 पाउंड का डाला उसमें चेंज करने के लिए, उसमें से नोट ही आए, कॉइन आए ही नहीं। हमने कहा अब क्या करूँ। मैं दुकान पर गया, उसको बोले मैंने हमारे पास नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान, फिर सोचा चलो मैं अपना खींच के ले जाता। उतने में एक सज्जन वहां, जो वहां के पोर्टर होगा काम करने वाला, वो आया और अपनी भाषा में मुझे कहा कि रुको। मैं रुक गया क्योंकि वो क्या बोलता मुझे समझ में नहीं आता, उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। उसने अपने जेब से निकाला कॉइन, वहां लगा करके उसको खोल दिया, मुझे दे दिया कि आप ले लो, ले जाओ इसमें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उसको एक 5 पाउंड का नोट देने का प्रयत्न किया। बोले नहीं 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 कोई जरूरत नहीं, अब मुझे बताओ अननोन स्थान में कौन आपको मदद करता है? केवल इसके बारे में हमको जागृत रहना है।
प्रभु ही आते हैं कोई भी बहाना लेकर के। जब ये धारणा आपकी दृढ़ हो जाएगी तब आप देखेंगे आपको हर क्षण उसी का स्मरण बना रहेगा। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। आगे कहते हैं ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्या निरालंबतया स्थिति ध्यान शब्देन विख्यातः परमानंददायकः। अब ध्यान क्या है? वस्तु को लेकर के। कौन सी वस्तु है? सद्वृत्या, अपने होने का भान। इसको ऐसे समझ लो, आदमी होता है, पति बनता है। आदमी होने में दुख नहीं, पति होने में, पति बनने में सुख नहीं। कारण क्या है? पति बनावटी है, आदमी ओरिजिनल है। जस्ट थिंक, तो क्या शादी ना करें? नहीं, शादी करो लेकिन मौज में रहो, दुखी मत होना। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। तब जाकर के हमने ध्यान दिया है अपने स्वरूप के तरफ। ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्या निरालंबतया स्थिति। अब कोई भी आलंबन नहीं है, माने हमारे खुशी के लिए कोई कारण नहीं है। देखो हम जब किसी को देखते, अरे गुप्ता जी क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे। यानी गुप्ता जी दुखी है तो हम कभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही रहते हैं। क्या बात है आज बड़े सुखी है, माने हमको खुश होने के लिए कोई कारण चाहिए। जो बिना कारण का आनंद होता है वो ब्रह्मानंद है। वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज माई वाइफ इज गुड, आई एम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ माई वाइफ, देन यू आर ग्रेट। देखो संतो, निरालंब दया, कोई आलंबन नहीं, उसको कहते ध्यान। तो क्या करनी है साधना? इधर ध्यान देना है, अपने दुख किसी को मत सुनाओ। दूसरी बात, किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करो। भगवान हमको प्रसन्न नहीं कर पाए, हम दूसरे को प्रसन्न करेंगे। और उसके पीछे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है, हम लोग डेमोक्रेसी में है, हर एक को दुखी होने का अधिकार है। ये बात मैंने आप लोगों से सीखी है। देखो हमको लोग पूछते, स्वामी जी आपके गुरु महाराज कौन है? आप ही सब मेरे गुरु हो, मैंने आप सबसे सीखा है कुछ ना कुछ। ये कहां से सीखा? एक बार हमारे मित्र हमको ड्राइव कर रहे थे और सामने टैक्सी जा रही थी, उसका दरवाजा खुला था आधा ऐसा। तो हमारे मित्र ने कहा, स्वामी जी मैं पैरल लेता हूँ गाड़ी, उसको बता देना दरवाजा खुला है वो बंद कर देगा। उसने कांच नीचे करी और मुझे, स्वामी जी बता दो। उन्होंने कहा, ए महात्मा जी दरवाजा खुला है, गिर जाओगे, बंद कर लेना, काम करो अपना, दूसरे को सिखाते हैं। जब उसने ऐसा कहा काम करो अपना, तो हमारे मित्र को बड़ा गुस्सा आया, देव कैसा बदतमीज है। हमने कहा बदतमीज नहीं, वो मेरा गुरु है, उसने सिखाया है, दूसरे के जीवन में दखल मत लेना। देखो हम हिंदुस्तानी है ना, शुरू कर देते कुंडली लिखना। एक ने मुझे ये भी पूछा था, स्वामी जी आपकी कुंडली है क्या, मुझे कुछ देखना है। हमने कहा मुझे कंठस्थ, मैं बताता हूं, लिख लो। उसने फटाफट 12 घर बना दिए। पहले घर में लग्न में मर्फी है, दूसरे घर में 2 मर्फी, तीसरे घर में 3 मर्फी, चौथे घर में 4 मर्फी, 12वें घर में 12 मर्फी। मेरे कुंडली में केवल एक ही ग्रह है, वो है मर्फी। मर्फी ग्रह क्या करता है? इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो, ये है मर्फी। देखो महाराज, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ और मौज में रहो, यही असली योग साधना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।